तो कहता था क्या मोदी जी से गई थी देखने, मोदी जी को देखने गई थी, देख पाए थी रोड वोट किसे दे रहे हैं? मोदी जी जीतेगा, मोदी जी उड़ जाएगा। जितने भी लोग दिखे 90% लोग पप्पू यादव पब्लिक सुनिए ना, मोदी जी के हवा में सब उड़ जाएगा, सब उड़ जाएगा। क्या चाहती मोदी का क्या भैया? इस बार फिर से प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ही बनेंगे। हाँ इस बार पप्पू यादव की कुछ नहीं, लहर ऐसे चलता है, जीतेगा मोदी जी ही। हाँ भैया लोगों से बात करते, क्या हाल है, कौन जीत रहा है इस बार? मोदी जी जीतेगा। और मोदी जी पप्पू यादव की लहर चल रही थी? नहीं नहीं, मोदी जी को देना है। क्या दादा मोदी, आप एक जिस अवस्था में आपको आराम करना चाहिए उस अवस्था में आप रैली में गए थे, क्या वजह है इतनी वजह है? मोदी है, सक्रिय है, मोदी सक्रिय है। अच्छा मोदी जी, मोदी पप्पू यादव की लहर चल रही थी इधर पुनिया में, बोल रहे हैं सर आज था, लेकिन आज तो बदलता है, आज लहर बदल गई सब पहले कर क्या हाल है? मोदी कौन आ रहा है इस बार, कहाँ से आ रहा है? हम कोढ़ा कटिहार पूर्णिया लोकसभा से। अच्छा इधर हम रैली में आए थे क्या? हाँ रैली में आए थे। क्या हुआ है इस बार माहौल, कौन आ रहा है? माहौल तो अच्छा है, कौन जीते है? कौन जीतेगा? जो विकास किया पूर्णिया का, विकास किया है, जो शांति लाया है पूर्णिया के, लाया है शांति, जो लाया है सभी को मैंने पता है। अरे आप बताइए ना, मुझे तो नहीं पता, हम बाहर से आए हैं, आप बताएंगे तब जान जाए। श्री संतोष कुमार कुशवाहा जी लाए हैं। कुशवाहा कभी क्षेत्र में दिखे नहीं, लोग बोलते हैं, लोग तो क्या बोलेंगे, वो विकास किए, काम किए, जिससे विकास किए थोड़ा सा बता दीजिए। तो सुनिए, उनके रीजन में 10 साल के रीजन में पूर्णिया मेडिकल कॉलेज बना, जो बहुत बहुत पुराना मांग था। क्या फायदा जब डॉक्टर वहाँ अवैध वसूली कर रहे हैं, मतलब 300, 400, 500 ले रहे हैं? कोई नहीं बोल रहा अवैध वसूली हो रहा है, अरे पब्लिक बोल रही है। पब्लिक वैसे तो ब्लेम लगा सकता है, आप यदि पब्लिक बोल रहा तो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ इंक्वायरी कर सकते हैं, आपका मीडिया वहाँ पहुँच सकती है। पब्लिक बोली तब हमें पता चले, हमें क्या मालूम, पब्लिक बोलने से नहीं होगा, हो सकता है विरोध में भी बोल सकता है, विकास के विरोध में भी बोल सकता है, षड्यंत्र भी हो सकता है, इसलिए आप जा करके खुद इंक्वायरी कीजिए, मीडिया लोग जाइए पता कीजिए, एक एक बीमारी के एक एक ब्लॉक का, सब अलग अलग ब्लॉक है, 10 बजते सारे डॉक्टर बैठ जाते हैं, 2 घंटा के अंदर, सुनिए 2 घंटा के अंदर सारा इलाज हो जाता है, रिपोर्ट मिल जाता है। पहले वही सदर हॉस्पिटल था, दिन भर का चक्कर लगाना पड़ता था, अब गरीब गुरबा 70% आदमी वहाँ पे रहता है। क्या बात है दादा, सही बात है जो कह रहे हैं अंकल जी, सही बात है। सही है, डॉक्टरों से आपको सही छुटकारा मिलता है, मतलब अच्छी दवाई मिलती है, अच्छे कम पैसे लिए जाते हैं, 100% दवाई मिलता है। पब्लिक से पूछ रहे हैं आप, विकास के बाद सुनिए, बोलिए। मेडिकल कॉलेज हुआ पूर्णिया का चिर परिचित, बहुत पुराना मांग था पूर्णिया विश्वविद्यालय, संतोष कुशवाहा जी के रीजन में हुआ, पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज, पूर्णिया कृषि कॉलेज, अभी उसके 6 लेन रोड देख रहे हैं, और पूर्णिया में अमन चैन है, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा 10 साल में जो काम किया है पहले का विधायक सांसद, वह काम नहीं किया था, जो 10 साल में काम हुआ 50 साल में काम नहीं हुआ, यानी फिर से पूर्णिया विश्वविद्यालय होने से इस आसपास के मारे सीमांचल बहुत दूर दूर के आदमी भी अब अपना भात खा करके MSc MA करेगा, PhD करेगा, BEd करेगा, MEd करेगा, अब दरभंगा नहीं जाना पड़ेगा। पता है BEd MEd करने के बाद जब नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? अरे पढ़ लिखे आदमी क्या करता है नौकरी, बिजनेस करता है नहीं करता है, उद्योग करता है, हर काम करता है। पूर्णिया जो है अभी की बार मोदी सरकार जिंदाबाद, अभी की बार मोदी सरकार जिंदाबाद, 400 पर। सुनिए जब पूर्णिया लोकसभा के पब्लिक जनता शिक्षित होंगे तो विकसित होगा, जब पूर्णिया विकसित होगा तो बिहार विकसित होगा, जब बिहार विकसित होगा तो देश विकसित होगा। सही है, मोदी सरकार तो सही है, क्या दादा? एकदम बिल्कुल राइट है, जब से मोदी जी आए हैं सब चीज एकदम रामराज आ गया है, ऐसी रामराज कहाँ देखे थे, जय हो। अंगूरी मत देखिए, मेरी बात सुनिए, एक तरफ महंगाई है और मोदी जी क्या क्या लगता है, मोदी जी नहीं है, सबके घर में मोटरसाइकिल है, सबके घर में मोटरसाइकिल है, सबका खर्चा 500-700 रुपया डेली है, कोई गरीबी नहीं है, दिखावा के गरीबी है सिर्फ। महंगाई कोई एक आदमी के लिए नहीं है, सभी के लिए है ना, कोई गरीबी नहीं है, कमल खिलेगा एकदम, जो कि धर्म का रक्षा करेगा उसकी रक्षा हम करेंगे, याद रखिए। धर्म कब संकट में था,
पहले कुछ फालतू लोग सुनिए, पाँच वर्षों से मंदिर नहीं था, पूजा नहीं होती थी, होती थी लेकिन मन में करते थे, लेकिन मंदिर होती थी लेकिन। इस बार वोट किसे देंगे, पप्पू को देंगे या कुशवाहा जी को देंगे? जो जीतेगा पप्पू जीतेगा कि संतोष कुशवाहा देखे जीतेगा, कोई तो हमको नहीं देखने गया, पति मर गया तो नहीं पप्पू गया नहीं संतोष कुशवाहा गया, हमें जात है। हाँ सुनिए, जो नीचे में सरपंच है सदस्य है नेता है वो पड़ोसिया है तो देखेगा कि इसको पति मर गया बुला लेते हैं, कोई नहीं बोलाया। सुनिए कि 10,000 रुपया देगा नहीं, इंदिरा आवास मिला। जो यादव दारू बना बेचता है बेटा जाता पीने के लिए तो खोजने जाते हैं तो लाठी उठाता है, आप बोलिए कौन जीतेगा? एमपी नहीं जीतेगा, नरेंद्र मोदी जीतेगा, नरेंद्र मोदी रहेगा ऊपर में, वहाँ रहेंगे। यहाँ यहाँ पे कौन जीत रहा है, यहाँ पे किसको वोट देंगी, किसको कौन देगा? यहाँ पे यहाँ 10 आदमी जिसको जिताएगा उसको देखें बस। आपकी नज़र में अभी कौन लहर चली, किसको सुनाई दी? नज़र में तो होगा क्यों जाता तो ये होगा पप्पू भी, वो ये ठीक है पप्पू भी ठीक है, जित पप्पू भी एमपी बनने से बदलता है क्या करता है, जो मुरुख यादव है उसको चलने नहीं देगा तो हम क्या समझेंगे। अखनी तो कहते हैं पप्पू ठीक है, अब पप्पू एमपी बनने के बाद उसको मोटा पार्टी का हम ऐसे करेंगे उसे करेंगे, छोटका जात है कोरी को लिबानेंगे, ये जात पर भी नहीं होगा। मुर्गा बेचने को जो डेरिया बेचता है मुसलमान उसको हटाइए, हिंदू के मुँह गोसे घर पर जाता है मुर्गा रोइया, हिंदू का वृद्धि होगा। हम फैक्ट बात बोलते हैं, को मार दिया गोली कि कुछ कर दिया, हम पप्पू के डेरा दो बार किए, हमको पति मारा कि योजना खोजते हैं प्रधानमंत्री वाला, बोला चुनाव को बाद, चुनाव के बाद में कौन जीतेगा कौन करेगा नहीं करेगा तो हम क्या देंगे। यानी अभी आप कोई फैसला नहीं बताएंगे किसे वोट देंगे? हाँ हमको इंदिरा आवास नहीं मिला, हमरा नहीं मिला तो बेटा कहाँ मिलेगा, पोता कहाँ से मिलेगा। ठीक है क्या माहौल है इस बार, इसका मोदी का माहौल है? मोदी का बिल्कुल, मोदी यहाँ पे कौन माहौल है? मोदी का माहौल है, संतोष कुशवाहा मार्केट में दिखते नहीं एकदम पूरा है उसका, संतोष कुशवाहा कभी देखे टिक मारेगा वो, संतोष कुशवाहा कभी क्षेत्र में दिखते नहीं देखते, बहुत अच्छा अच्छा नहीं दिखे, अच्छी बात है। हाँ